बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे, आमीन। हमारा अशराए मगफरत चल रहा है, तो आप जो है मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरी भी मुश्किलें आसान करें। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। मुझे बहुत सारे मेरी जो है यूट्यूब फैमिली जो है वो मुझे कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे मेरी हर वीडियो पे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उनके मैसेज पढ़ती हूँ सारे, तो ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, इस तरह हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन बॉक्स पैटिस, जो कि मैं बनाऊँगी समोसा पट्टी जो बाज़ार में मिलती है उससे। उसके लिए मैंने ये 300 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है और छोटी सी एक गोभी लेके उसको हाफ जो है मैंने बारीक बारीक जो है इसको कश कर लिया है, और तकरीबन मैंने 2 से 3 अदद छोटे छोटे प्याज लेके उसको बारीक बारीक काट लिया है। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ले लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने ये तंदूरी मसाला लिया है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। से 3 टेबल स्पून जितना हम इसमें ऑयल लेंगे, और सबसे पहले हम प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। रमजान की बरकत है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा पर अल्लाह का रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं आजकल, तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। हल्का सा पिंक हुआ तो इसमें मैंने ये लहसुन अदरक डाल दिया, प्याज पिंक हो गया तो इसमें मैं ये बंद गोभी भी डाल दूँगी और इसको भी थोड़ा सा नरम कर दूँगी। गलते तो पक गए, पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिकन में सब इसमें बन वो भी है अपना, अभी पानी छोड़ देना और इसमें पक जाए। ये देखें चिकन का कीमा जो है सारा तकरीबन पक गया, चिकन का कीमा सारा पक गया, तो इसके अंदर जो है मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी। पेपरिका पाउडर जो है ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है, इसको अच्छी तरह सबको मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए मैं सोच रहा इसमें थोड़ा सा एक चम्मच सेका, एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच चिली सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें तो, वरना ऐसे भी ये बन जाएगा। इससे ज़रा जो है सॉस जो है ना वो थोड़ी सी ये कीमा जो है ना चिकन का ये थोड़ा सा हो जाए, जैसे पहले बिल्कुल ये जैसा था। ये बिल्कुल तैयार हो गया, अब मैं इसको बाउल में निकाल के तो ठंडा करने के लिए रखती हूँ। जैसे ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको इसकी फिलिंग करेंगे। ये पटिया मैंने खोल लिया, तो अब मैं ये इसके सेंटर में थोड़ी सी ये मैदे की मैंने पेस्ट बना ली है वो लगाऊंगी, और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के ये
प्लस की शेप ले लेंगे। अब इसके अंदर जो है हम ये मटेरियल डालेंगे। मटेरियल डाल के तो इसके ऊपर भी मैदे की पेस्ट लगा दूंगी। किधर से इसका ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर फिर से मैदे की पेस्ट की लगा दूंगी, इसके इधर से ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर फिर से मैदे की पेस्ट लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, किसी भी साइड से ये बाहर ना निकले। ये देखिए ये अच्छी तरह से फोल्ड हो गया। मैं आपको एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। मैदे की पेस्ट जो है ये लगानी जरूरी है, इससे ये अच्छी तरह से जो है चिपक जाएगा। इधर से मैं इसके ऊपर एक फोल्ड करूंगी, इधर से उधर से पकड़ूंगी। अब इधर से इसके ऊपर रख दूंगी। अब मैं आपको इस तरह से बाकी सारे तैयार करके दिखाती हूँ। ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, तो अभी मैं अफ्तारी का दूसरा सामान भी साथ बनाती हूँ, तो उसके बाद मैं फिर इसको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये हमने जो है दही जो अपनी तैयार कर ली है, इसके अंदर अब हम ये जो है पकौड़ियाँ डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और इधर हम चिप्स को फ्राई कर रहे हैं, आज हम पिज़्ज़ा फ्राइज बनाएंगे। बच्चे कह रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा फ्राइज बना कर दें, तो इसलिए मैंने चिप्स फ्राई करने के लिए रखी है। कौड़ियाँ मिक्स कर ली हैं, ये मैं फ्रिज में रख दूँगी, ज़रा ठंडी हो जाएंगी। इसको मैं फ्रिज में ठंडी करने के लिए रख दूँगी। चाट भी मैंने काट ली है, तो मैंने नमक वाली मिर्च डाल दिया था, इसमें चाट मसाला डाल दूँगी और साथ ये मैंने जो है ना टैंक जो है वो डाल दूँ। अगर आपके पास डिब्बे वाला जूस है तो आप वो डाल दें, लेकिन ये टैंक डाल के इससे भी बहुत अच्छी इसकी रसभरी की चाट बनती है। इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी अच्छी तरह ठंडी हो जाए। ये पिज़्ज़ा फ्राइज बनाने के लिए मैं इसमें ये पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। मैंने अभी जो रेसिपी जो फिलिंग की है ना, ये वही बचा हुआ कीमा है चिकन का, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। साथ में थोड़ी सी कैसे डाल दें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कद्दूकस करके तो मैं इसके ऊपर जो चीज़ डाल दूँगी। इस तरह से मैं इसकी दो तीन लेयर तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे लास्ट वाली जो है वो थी लेयर जो मैं आपको दोबारा से बना रही। कैचअप डाल दूँगी,
चीज डालूंगी तो ये सारा मिक्स इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो है ये मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी और साथ में जो है ना मैं ऑरिगैनो वाले लीव्स जो है वो डालूंगी और इसको फिर अफ्तारी से 5 मिनट पहले जो है ना मैं 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दूंगी ताकि सारी चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए। में थोड़ा टाइम ही रह गया, मैं अब बॉक्स पैटीज जो है ना वो फ्राई कर दूँ। ये मैं अब फ्राई कर रही हूँ, ये साथ अब मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी तैयार करने लगी हूँ। ये फ्राई करके मैंने निकाल ली है, बाकी के अब मैं डाल रही हूँ। रोज़ा खुलने लगा है, अब हम रोज़ा खोलने लगे हैं। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारे दस्तरखान को देख के एक दफ़ा माशाल्लाह कह दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।